अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला पश्चिम विधानसभा के अंदर चुनाव 20 नवंबर को है और फैसला अकोला शहर का है कि हमको टैक्स के खिलाफ लड़ना है, हमको अकोला के विकास के लिए लड़ना है, अकोला MIDC को बढ़ाने के लिए लड़ना है, हमको जो है हमारे जो सब्जी मार्केट्स है, हमारी जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक जगह है, इनके विकास के लिए और ये एक आदर्श शहर बने इसके लिए हमको लड़ना है और इसके लिए हमको वोट देना है विकास को। तो विकास की निशानी है पंजा, और अगर हमको वोट देना है दलदल को तो उनकी निशानी आपको पता है, और वो दलदल अकोला शहर हो चुका है ऑलरेडी, टैक्स के माध्यम से हो। अरे भाई, यहाँ पे जो गुंठेवारी है, गुंठेवारी में कौन रहता है? गुंठेवारी में रहता है गरीब आदमी शहर का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो। उस गुंठेवारी करने के लिए 10% की कमीशन, 10% मनपा को हमने पैसे भरना चाहिए। मतलब हमारा प्लॉट अगर 2 लाख का है तो 20,000 हमने मनपा को भरना चाहिए। ये ठहराव किसने पारित किया? जो आज के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, विजय अग्रवाल, इन्होंने। तो ये गरीबों के हित की बात करते हैं क्या? अगर आपका घरकुल मंजूर करना है तो आपको गुंडेवारी जरूरी है। मतलब आप गुंडेवारी में 20,000 नहीं भर सकते तो सरकार की घरकुल के 2.5 लाख भी आपको नहीं मिलेंगे। ये प्रावधान किसने करके रखा? हमारे आज के उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन महापौर विजय जी, इन्होंने। जनता कब सोचेगी? तो मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे नेता राहुल गांधी, जो सर्वधर्म समभाव के लिए पूरे देश में 3,000-4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल घूमे, उन पे विश्वास रख के, मेरे जैसे कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास रख के आने वाले 20 तारीख को आप पंजा का बटन दबाओ और इस शहर के विकास का दरवाजा खोल दो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।